हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नया वीडियो। आप देख सकते हैं 24x33 का घर का नक्शा। ये है 24x33 का घर का नक्शा आज हम बनाए। अब इसको मैं बता रहा हूँ कितना बाई कितना रूम है, कितना बाई कितना टॉयलेट, ये सब मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पर अगर चैनल पर नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये देखिए, ये 24 फुट हो गया आपका। ठीक है, ये चौड़ाई आपका 24 और ये आपका हो गया 33। ठीक है, ये 33। अब इसमें देखिए, ये बेडरूम हो गया आपका 10x10, यानी 10 फुट इसका ऐसा है, 10 फुट ऐसा लंबाई चौड़ाई 10 है, 10x10 का ये भी बेडरूम है। ठीक है, बेडरूम। ठीक है, अब ये हो गया टॉयलेट। टॉयलेट 3.5x7 का ही है। आइए, हो गया बेडरूम। ठीक है, ये आपका 10x10 का ये भी हो गया, 10x10 चौड़ाई टोटल है ऐसा ऐसा। और ये हो गया किचन। किचन तो आपका हो गया 7x10 का, यानी 60 फुट ऐसा और 10 फुट ऐसा। और ये आपका पैसे समझो तो पैसेज आपका, ये पैसेज आपका हो गया 6.5x10 का। ठीक है, 6.5 फुट इसका चौड़ा है, 10 फुट ऐसा है। ठीक है, और ये हो गया डाइनिंग, डाइनिंग हॉल। ठीक है, तो डाइनिंग हॉल होगा आपका, होगा ये आपका हो गया 10x10, इसे 10.5 इसका ये है और 14 का, यहाँ से यहाँ तक आपका 14 है। ठीक है, 14 और ये 10.5 है। ठीक है, और ये आपका हो गया, देख सकते हैं ये आपका हो गया सीढ़ी। सीढ़ी हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, और चले जाएंगे यहाँ पे। ये सीढ़ी जब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो ये ऊपर वाले, तो यहाँ पे कार पार्किंग ले लेते हैं, कार पार्किंग। ठीक है, ये कार पार्किंग, ये टोटल रास्ता आपका खुला रहेगा ये कार पार्किंग के लिए। और इसमें से जाने के लिए दरवाजा दूर हो गया आपका। ठीक है, और इसका दरवाज़ा देख सकते हैं, इसका दरवाज़ा ये हो गया, इसका दरवाज़ा ये हो गया, इसका दरवाज़ा हो गया, बाकी दोनों का टॉयलेट ये हो गया। ठीक है, इसमें दोनों का टॉयलेट ये हो गया। ठीक है, अगर चाह सकते तो अगर यहाँ पे सीढ़ी के नीचे भी एक टॉयलेट रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये डाइनिंग हॉल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और फेसबुक पेज RP कुशवाहा फॉलो करें, और टेलीग्राम पे RP कुशवाहा चैनल को ज्वाइन करें, ट्विटर पे RP कुशवाहा फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे RP कुशवाहा फॉलो करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।